हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे बचे हुए वेस्ट मटेरियल से या बची हुई लेस के टुकड़ों से इस तरीके के लटकन किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लटकन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो ये अंदर का हमने बना रखा है पहले सबसे पहले बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस तरीके का बिल्कुल वेस्ट जो कपड़ा है हमारा, और ये इस तरीके का हमने कपड़ा रख रखा है, या अंदर करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, ये कपड़ा हमने ले रखा है, इस तरीके से इसको बारीक बारीक कपड़ा वेस्ट काट लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने बिल्कुल थोड़ा सा काटा है, इसको इस तरीके से गोल गोल करेंगे, बॉल टाइप बनाएंगे, और इसको इसके अंदर इस तरीके से करके धागा हमने बिल्कुल गोल्डन कलर का लिया हुआ है, ये हमारा इस कलर का धागा है। अब हम इसको इस तरीके से लपेटेंगे, इस तरीके से हम इसको 2 इंच लंबी बना लेंगे, इस तरीके से बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, कम से कम हमारी 2 इंच होनी चाहिए लंबी। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से इसको बना के कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा 2 इंच का है, और इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखेंगे अंदर सिलाई लगाने के लिए, और ये हमारी बची हुई लेस है। अब हम इसको क्या करेंगे, लटकन बनाने के लिए सबसे पहले इसको 2 भाग में करेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से आधी आधी कर लेंगे, ये इस तरीके से कर ली। अब इसको हम इस तरीके से दोनों को मिलाएंगे और इसको इस तरीके से रख लेंगे, और सबसे पहले गोल बनाने के लिए निशान लगाएंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी चीज़ का ढक्कन या कुछ भी, ये इस तरीके से निशान लगा लेंगे पूरे। ये इस तरीके से हमने पूरा सर्कल बना लिया है, और ये जो हमारा है, अब इसको हम ये हमारा इस तरीके से है, तो बिल्कुल इसको इस तरीके से रख लेंगे अंदर की साइड, और ये इसको पैक करके जो पूरा हमारा गोल हिस्सा दिख रहा है इस पर हम इतनी इतनी सिलाई लगा लेंगे, 1 इंच छोड़ देंगे। ये बीच में हमारा जो हमने रखा है अंदर लटकन का, इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से डबल सिलाई लगाते हुए इस तरीके से पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने 1 इंच खुला रखा है हिस्सा। अब हम इसको क्या करेंगे, आइट साइड को इस तरीके से कट कर लेंगे शेप में। शेप में काटने के बाद हम क्या करेंगे, सिलाई को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से हल्के हल्के सब दूर कट लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से गोल कर लेंगे। ये जो इसका खुला हिस्सा था, इसमें हम इस तरीके से डोरी ऐड कर देंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे, आउट सिलाई जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर से लगाएंगे जिसको हम। ये इस तरीके से हमने एक छोटा सा गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, इसको इस तरीके से काटें पकड़ेंगे, 4 शेप में घड़ी कर लेंगे, इसको बिल्कुल राउंड शेप में इस तरीके से कट कर लेंगे, और इसी को बीच में से भी इस तरीके से थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेंगे नहीं दोस्तों, क्या करेंगे, एक अगरबत्ती लेंगे, इसको ये हमारा गोल्डन कलर है तो इस तरीके से इसको इस तरीके से चिपका लेंगे, ये इस तरीके से। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे ये आइट साइड के जो धागे हैं ये हमारे लटकनों में से निकल निकल के बाहर ना जाए। ये देखिए हमारा इस तरीके से राउंड बन के तैयार हो गया है। हम उसको यहाँ से अंदर डालेंगे निचले हिस्से से, अब इसको इस तरीके से गोल करेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए, और इसको इस तरीके से पलट देंगे। और फिर पलटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको धागे से यहाँ से हमने इसको इस तरीके से पकड़ लिया है, और अंदर से इसी कलर का धागा लेकर हम इसमें इस तरीके से सिल लेंगे, और इस तरीके से हम उसको अच्छे से टाइट करके सिल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये दोनों लटकन बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। आप चाहे तो आपके हिसाब से जैसे इच्छा हो ऐसा शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो स्क्वायर शेप दे सकते हैं या हार्ट शेप भी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिए हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।